सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ऑफ द वीक जी हैं गाइज, जो अभी अभी शॉर्ट आया है 553, उसका रिव्यू करने वाले हैं आपको। इस वीडियो में हम उसका टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ, कैसे खेल सकते हैं, किस बॉल को कनेक्ट करता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो बस गाइज, आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, अगर स्किप करोगे तो गाइज कुछ ना कुछ आप मिस करोगे। चलो गाइज, सबसे पहले आप हमको बता दें कि ये शॉर्ट जो शॉर्ट ऑफ द वीक है तो क्विस्ट में ही मिल जाएगा। 553 नंबर का एक गोल्ड शॉट है, 8 आपके पास गोल्ड फ्रेगमेंट होने चाहिए, तब जाए गाइज इस शॉट को परचेज कर सकते हो। तो गाइज मेरे पास 8 नहीं बल्कि 9 फ्रेगमेंट है, हमने इस शॉट को परचेज कर लिया, आपके सामने देख लो। अब गाइज आना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद शॉर्ट मैप में आना है, और शॉर्ट मैप में गाइज एक खास बात यह है कि जो ये शॉट है वो 6 o'clock पे बस आपको फ्रंट फुट से मिलेगा, ना तो एडवांस शॉट है ना ही तो बैक फुट का शॉट है, बस फ्रंट फुट का शॉट है, ठीक है। और मुझे गाइज 133 से काफ़ी हद तक उतना सही नहीं लगा। अब गाइज चलो आगे देखते हैं, 133 मुझे ठीक लगता है। चलो गाइज 5-5 जो 3 है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक बैट्समैन के लिए गाइज ये शॉट जो है वो फ्रंट फुट पे ही अवेलेबल है। अगर आप सोचोगे आपको बैक फुट पे मिले तो नहीं मिलेगा, स्पेशल में खोजोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, आपको जब मिलेगा फ्रंट फुट से मिलेगा, सारे बैट्समैन के लिए अवेलेबल है। अब गाइज बात करते हैं किस किस लेंथ को कनेक्ट करता है। तो गाइज यॉर्कर फुलर लेंथ और गुड लेंथ, यॉर्कर पे इनस्विंग वगैरह सबको कनेक्ट कर लेता है। गुड लेंथ पे गाइज कैरम बॉल को थोड़ा सा मुश्किल होता है कनेक्ट करना, अच्छे से पोजीशन नहीं करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा गुड लेंथ पे, बाकी हर एक लेंथ पे कनेक्ट करता है। शॉर्ट लेंथ की बॉल को कनेक्ट नहीं करता है, और गुड लेंथ पे कटर बॉल हो तो कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और गाइज रात का टाइम है तो थोड़ा सा अगर आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि 12 बज रहा है। अब गाइज यहाँ पे पोजीशन की बात कर लेते हैं। चलो गाइज, तो गाइज पोजीशन में एक ही चीज़ है कि आपको एक स्टेप की दूरी रखना है अगर बॉल अंदर आए तब, अगर बॉल स्ट्रेट रहे तो अभी आपको एक स्टेप की दूरी रखना है, और बॉल ज़्यादा बाहर में निकले तब आपको बॉल के लाइन में चले जाना है। ये हो गया आपका क्या चीज़ पोजीशन। टाइमिंग की बात करें गाइज, तो टाइमिंग बहुत खास है, अगर आप टाइमिंग नहीं करोगे 110% आउट हो गए, कैच आउट हो गए अगर फील्डर सामने होगा तो। काफ़ी लोगों का डिमांड था कि फील्डर सामने रख के रिव्यू करो, तो अगर स्पिनर की धीमी गति की गेंद हो तो गाइज हाफ पिच पर आपको खेलना है, हाफ पिच से बॉल थोड़ी सी आगे चल जाए तब आपको खेलना है स्पिनर की धीमी गति की गेंद को। स्पिनर की फास्ट बॉल को आपको खेलना है कहाँ पे, हाफ पिच पे, ठीक है। स्पिनर की फास्ट बॉल को हाफ पिच पे खेलना है, स्पिनर की धीमी गति की हाफ पिच से थोड़ा सा आगे चल जाए तब खेलना है। फास्टर की गाइज बहुत ही अर्ली खेलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा गेंद रिलीज हो जाएगी जो अगर धीमी होगी तब खेलना है, अगर फुल पेस में होगी तब गाइज आपको हाथ से छूटते ही छूटते खेल देनी है, बहुत ज़्यादा अर्ली खेलोगे तब जाके कनेक्ट होगा, वरना परफेक्ट टाइमिंग नहीं कर पाओगे। गाइज इस शॉट की मैं रेटिंग 7 की दूंगा। अगर गाइज आपको शॉट अच्छा लगा है तो परचेज कर लेना, नहीं लगा हो गाइज तो किसी और शॉट के लिए जा सकते हो। फाइनली गाइज लगभग हमने सब कुछ रिव्यू में बता दिया आपको, अगर फिर भी कुछ मिसिंग होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर मिलते हैं गाइज किसी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक गाइज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलता रहे। तो गाइज ध्यान रखना अपना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।